हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ एक ऐसी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं, जैसा i3 6th जनरेशन, i3 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, यदि हम उन्हें हार्ड डिस्क के साथ लेते हैं तो उनमें प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम उनमें मैं आप आजकल जो मैं फेस कर रहा हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मशीन थोड़े टाइम चलने के बाद स्लो हो जाती है। जैसे कि आपने i3 8th जनरेशन लिया है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये आपका स्लो चलने लगता है। उसमें कारण क्या होता है जो हमने ऑब्जर्व किया, उसमें कारण होता है आजकल जो हार्ड डिस्क आ रही है वो 7200 RPM से हटा के 5400 RPM का कंपनियों ने कर दिया है, जिससे उनकी डाटा ट्रांसफर स्पीड कम हो जाती है। इस वजह से ये मशीनें स्लो चलनी शुरू हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, जब बैड सेक्टर वगैरह आ जाता है। तो उसका अब एक जो है कि हम उससे निजात कैसे पाएं, उससे ऑप्शन ये होता है, या तो हमें मशीन खरीदनी चाहिए, ये जो मशीन होगी SSD के साथ खरीदनी चाहिए, ये SSD हो प्लस हार्ड डिस्क हो। अदरवाइज आपको, आपने मशीन खरीद लिया है तो उसमें आपको SSD लगवाना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड सही हो पाएगी। मैं आपको आज एक इसी ही लैपटॉप के बारे में बता रहा हूँ। एक हमारे पास मशीन आई थी, ये लेनोवो का लैपटॉप है, लेनोवो आइडिया पैड 330। तो इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत ही स्लो चल रहा है, तो इसमें इसलिए हम आपको इसकी आज SSD चेंज कर रहे हैं। तो मैंने भी यही समझा कि आजकल बहुत लोग परेशान होते हैं कि क्या होता है कि SSD वगैरह आप हार्ड डिस्क में मशीन ले लेते हो तो वो उसकी स्पीड नहीं हो पाती है। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप या तो मशीन जब आप खरीद रहे हो 8th जनरेशन से ऊपर कोई भी मशीन खरीदो, वो SSD के साथ खरीदो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज आपने मशीन खरीद ली है तो फिर आप कई स्लो मशीन चल रही है तो उससे निजात पाने के लिए आपको SSD लगवाना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड सही हो पाएगी। अदरवाइज कुछ होता है कि हम देखते हैं बंदे क्या करते हैं कि ये रैम बढ़वाते हैं, रैम बढ़ाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।